नमस्ते, मैं हूं सुरेश कुमार एकलव्य और आप देख रहे हैं हिंदुस्तान न्यूज एंड टिप्स। देखिए, लगता यूं है कि इस देश में वोटों का बाजार गर्म करने के चक्कर में धारा का रुख मोड़ने की तैयारियां हो चुकी है। जाफराबाद में जो दृश्य देखने को मिला, अब टोपी वोट को अपनी तरफ करने के फेर में उन्हें पाक साफ बताया जा रहा है। यानी इस देश में मुसीबत की असली जड़ को फिर से खाद पानी देकर उसे लैलाता वृक्ष बनाने की कोशिशें चल निकली है। ऐसे ही वृक्ष पहले भी पल्लवित किए गए, जिसके विषैले फल केवल जाफराबाद, अलीगढ़, मेरठ, जामिया या मुर्शिदाबाद ही नहीं, पूरा भारत खा रहा है, क्योंकि जहरीली फसल पैदा करने का ठेका इन्हीं तत्वों के पास है। यह पूरी तरह सच है कि देश या दुनिया में होने वाले दंगे की शुरुआत इन्हीं की गलियों से होती है। यह तत्व मस्जिदों को अपनी खुरापात का अड्डा बनाकर उन्हीं में गोला बारूद का भंडारण करते हैं। आश्चर्य की बात यह है कि ऐसे बारूदी स्थलों में सुरक्षा बलों को जाने की मनाही है। यदि इन स्थलों पर शिकंजा कसा जाए तो जाफराबाद जैसी घटनाओं की पुनरावृत्ति होने से रोका जा सकता है। सन 1950 में भीमराव अंबेडकर ने जिस संविधान का श्रेय लिया था, यह तत्व उसी की नाजायज फसल है, क्योंकि संविधान से मिले मौलिक अधिकारों को इन्होंने अपने पक्ष में भुनाया है। इन्होंने वोट के अधिकार को अपनी खुरापाती मानसिकता से जोड़ लिया, यानी इन्होंने लोकतंत्र को एक मजाक के तौर पर लिया है और ऐसी हरकतों पर उतर आए जो इनके मंसूबों को पूरा कर सके। इन्हें लगता है कि वोट के नाम पर यह भारत को ब्लैकमेल कर सकते हैं और इन्हें कुछ भी करने की आजादी मिल जाती है। इसका मतलब यह हुआ कि देश भर में यह जो उछल कूद कर रहे हैं, उसके पीछे इनकी यही मानसिकता काम कर रही है। अब जरा अनुमान लगाइए कि यदि ऐसे तत्वों से वोट का अधिकार छीन लिया जाए, क्या तब भी ऐसी परिस्थितियां उत्पन्न होगी? यदि गाये बगाए बावजूद इसके ऐसा होता है तो प्रशासन का एक्शन क्या होगा, उसका अनुमान लगाने की जरूरत नहीं है। यानी यह तत्व सीधे सीधे लोकतंत्र की आड़ में हठधर्मिता पर उतारू है, जबकि हकीकत यह है कि इनकी नजर में लोकतंत्र का कोई स्थान नहीं है। इनका सबसे बड़ा लोकतंत्र शरिया और हदीस है, जो इन्हें काफिरों को खत्म करने का संदेश देती है। वर्तमान हालात भविष्य के लिए जो संकेत दे रहे हैं, वे ज्यादा उत्साहित करने वाले नहीं है। अगर वोटों की राजनीति ऐसे ही होती रही तो देश पर इन तत्वों का कब्जा होने में अधिक वक्त नहीं लगेगा। वर्ष 1980 के बाद से जम्मू कश्मीर में इन तत्वों ने सत्ता का रुख धर्म आधारित कर दिया था, जिसका परिणाम यह हुआ कि वहां पर हिंदुओं का रहना दुभर हो गया और हिंदू अपने ही देश में शरणार्थी बनकर रहने लगा। पश्चिम बंगाल, असम और आंध्र प्रदेश जैसे राज्यों के अनेक जिले हैं जहां से अन्य धर्मावलंबी पलायन करके हिंदू बहुल शहरों की तरफ भाग रहे हैं। मजे की बात यह है कि एक मुस्लिम 100 हिंदू घरों के बीच आसानी से रह सकता है, मगर 4 मुस्लिम घरों के बीच एक हिंदू, ईसाई, सिख या बौद्ध का रहना दुभर हो जाता है। इसकी वजह यही है कि यह कट्टरवादी समुदाय है। इनका धर्म काफिरों को अपने बीच रहने की अनुमति नहीं देता, मगर जहां यह अल्पसंख्यक है वहां ये गिरगिट बन जाते हैं। फिर इनकी यही सोच खूंटी पर लटक जाती है और ये भाईचारे की बड़ी बड़ी बातें करते हैं, पर हकीकत यह है कि ऐसा करना इनकी मजबूरी है। अगर उसमें सच्चाई होती तो जम्मू कश्मीर से कश्मीरी पंडित नहीं निकाले गए होते। इन लोगों को आज भी यह बात हजम नहीं हो रही है कि अब यहां मुगल सल्तनत नहीं, मोदी सरकार है। इनके लिए यह विश्वास करना भी मुश्किल हो रहा है कि भारतीय जनता पार्टी और शिवसेना जैसे दल बिना इनके वोटों के सत्ता में विराजमान कैसे हैं, क्योंकि अभी तक इन्होंने जो गणित तैयार किए थे उनके हिसाब से देश में उनके बगैर सरकार नहीं बननी चाहिए थी। इससे इनके भीतर यह कुंठा उपज चुकी है कि यदि अपनी ताकत नहीं दिखाई तो वे 1951 की तरह फिर से हाशिए पर जा सकते हैं। इसलिए शाहीनबाग, जाफराबाद और जामिया प्रकरण उसी की परिणति है। भाजपा ने दोबारा सत्ता में आकर इन तत्वों को न केवल किनारे कर दिया बल्कि आईना भी दिखाया है। इसका मतलब यह भी है कि कई दलों को अब इनके वोटों की आवश्यकता नहीं रही है। सड़कों पर उतरने वाला इनका गुस्सा इनके कुंठाग्रस्त होने की गवाही देता है। राम मंदिर का मसला हल होना, 3 तलाक पर नकेल कसना, जनसंख्या नियंत्रण कानून के आने की आहट और समान नागरिक संहिता के लगने के अंदेशे से इनका दर्द बढ़ता जा रहा है। पर बड़ी बात यह है कि इनकी बकरी कुदान से मोदी शाह की जोड़ी पर कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। कांग्रेस की सरकार होती तो इनके आगे जरूर पूछ लाती, पर यहां तो इनकी ही पूछ की लंबाई नापी जा रही है। सरकार इनकी हरकतों पर संज्ञान लेकर इनके सारे नखरों को देख रही है। अब ऐसे कानून की चर्चा भी है जिसमें इन्हें पूरी तरह काबू करके भारत का भविष्य सुरक्षित किया जाए।
क्योंकि इन्हें काबू करने का एकमात्र तरीका कानून है। वैसे भी बातों के भूत लातों से कभी सुधरते नहीं है। आशा है दोस्तों वीडियो पसंद आया होगा, आपसे शीघ्र भेंट होगी, तब तक के लिए अनुमति दीजिए। जय जवान, जय किसान, जय हिंद, वंदे मातरम।